हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अमेज़न, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट, ये बड़े बड़े नाम आपने सुने होंगे। अमेज़न का तो बिल्कुल ऑनलाइन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम, और वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, देखिए डील हुई थी ज़रूर, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस इंडिया के अंदर जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, ये मान के चलिए कि 25% के ऊपर से CAGR से ग्रो कर रहा है ये ऑनलाइन का बिजनेस। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करने आ रहा है एक नई एंट्री, मैं कहूँगा ऑल दो कंपनी पुरानी है, एंट्री नहीं कहूँगा, ये ज़बरदस्त शेयर एक नया धमाका करने जा रहा है। ज़बरदस्त कंपनी है, जिस तरीके से जियो का धमाका हुआ था और बाकी रिटेल कंपनीज के वाट लग गई थी, वही धमाका फिर से होने जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं, कौन सा है ये शेयर, क्या टेक्निकल है, क्या फंडामेंटल है, कहाँ धमाका करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फिर आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। ये देखिए रिलायंस रिटेल की बात हो रही है, रिलायंस यानी कि मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी अब अमेजोन और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट के जमे जमाए बिजनेस को उखाड़ फेंकने का दम रखते हैं। जैसा कि आपको पता है भाई, रिलायंस किस तरीके से एंट्री करता है अगर किसी बिजनेस में करता है, और इस बिजनेस में तो इसकी ऑलरेडी एंट्री है, 10,415 स्टोर्स चल रहे हैं, मोर देन 6,600 सिटीज विद 500 मिलियन एनुअल फुटफॉल है जहाँ पे। चलिए भाई, अब रिलायंस रिटेल जो है वो ऑनलाइन रिटेल सेक्टर में एंट्री लेने जा रहा है, चलिए भाई बहुत बढ़िया मैं कहूँगा। यहाँ पे जिस तरीके से अमेज़न और वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट कमा रहे हैं, ये अपनी फ्री सर्विसेज दे के उनकी वाट लगा देगा, बट ये है कि सर्विसेज अच्छी दे तभी कर पाएगा बढ़िया। कि जिस तरीके से अमेज़न की आप सर्विसेज देखें, बहुत मैं कहूँगा टॉप क्वालिटी की सर्विसेज हैं, रिलायंस को उससे भी आगे पॉजिटिव जाना पड़ेगा। और इंडिया में आप फ्री में एक बार चीज़ें बांटने लग जाओ तो कस्टमर अपने आप बनने लग जाते हैं। आपने जियो देखा ही होगा किस तरीके से रिलायंस ने कस्टमर बनाए जियो से, बिल्कुल छीन लिए, बनाए नहीं मैं कहूँगा छीन लिए कस्टमर दूसरे कंपनीज के। तो वही देखिए यहाँ पर, अगर आप देखो ग्लोबल मार्केट की जो रिसर्च फर्म है एक फॉरेस्टर, उसका मानना है कि इंडिया के अंदर जो रिटेल सेल्स है, ऑनलाइन रिटेल सेल्स है, वो 25 से 26% के CAGR से अगले 5 सालों तक लगातार बढ़ सकती है, और वो $85 बिलियन तक की उसकी एस्टिमेशन है कि यहाँ तक जाएगी। तो बहुत ज़बरदस्त मैं कहूँगा ये मार्केट यहाँ पे दिख रही है रिलायंस को, और उसमें रिलायंस हाथ डाल के अच्छा खासा कमाने की कोशिश करेगा। चलिए ये तो आपने देखा भाई रिलायंस की डिटेल, और अगर मैं आपको दिखाऊं रिलायंस के बारे में, तो कौन नहीं रिलायंस को जानता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8.5 लाख करोड़ से ऊपर की है, करंट प्राइस अगर आप देखें रिलायंस का, आज की डेट में भी उछाल देखने को मिला, 1,339 का करंट प्राइस हो गया, कल तो ज़बरदस्त उछाल था ही था, आज भी इसका उछाल देखने को मिला। और यहीं पर बुक वैल्यू देखिए 610 की है, PE रेशियो 21 की, हर 21 रुपये पर 1 रुपये कमा के देखता है। और ये कंपनी कहाँ नहीं, आप देखिए रिफाइनरी है इसके पास, और ये रिटेल है, डिजिटल सर्विसेज हैं, जियो है, पेट्रोकेमिकल है, क्या नहीं है रिलायंस के पास, हर सेगमेंट में है। अगर आप देखें अर्निंग पर शेयर 6,600 रुपये के आसपास है, 1,300-1,400 का प्राइस है, लेकिन अगर आप इंट्रिंजिक वैल्यू देखें तो 1,700-1,800 की इंट्रिंजिक वैल्यू, मतलब आप अगर, मैं कहूँगा ये देखिए इस लिस्ट को देखिए, अगर आप टॉप 100 स्टॉक्स देखते हो तो 8.5 लाख करोड़ के साथ टॉप पर रिलायंस आता है, फिर आता है TCS ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास। तो यही दोनों फर्स्ट सेकंड पे हैं, मैं कहूँगा ज़बरदस्त रिलायंस। और यहाँ पे अगर रिटेल सेगमेंट में आता है और कुछ नया लेके आता है ऑनलाइन रिटेल सेगमेंट में, तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट और वॉलमार्ट की वाट लगा सकता है। चलिए आगे हम देखें टेक्निकल लेवल पे, अगर रिलायंस को देखें तो अभी कुछ दिन में ज़बरदस्त गिरावट इसमें आई थी, 1,400 रुपये से शेयर गिर के देखिए 1,236-1,238 के आसपास मिलने लग गया था। लेकिन एक तो यहाँ पे मोदी जी ने रिलायंस को ऊपर पहुँचा दिया, आपको कि मोदी जी ने कैसे, अभी एग्जिट पोल का रिजल्ट आया उसमें मोदी जी को बहुमत मिलने से, एग्जिट पोल अभी तो, अभी रियल बहुमत तो मिला ही नहीं, अभी तो एग्जिट पोल में बहुमत मिला है, तो एग्जिट पोल में ही बहुमत मिलने से शेयर देखिए वापस ये लो देखिए 1,227-1,228 से वापस 1,367, मतलब इतना ज़बरदस्त उछाल, बस मोदी जी को एग्जिट पोल में बहुमत मिलने से इतना उछाल गया ये शेयर। अब एक्चुअल बहुमत मिलेगा तो मैं कहूँगा वापस ये नया हाई 1,400 के लेवल को बिल्कुल जल्दी पार कर सकता है। और यहाँ पर अगर हम रिलायंस की बात देखें, रिलायंस को मैं एक दो चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए डिविडेंड ये ज़्यादा देता नहीं है, और दूसरी चीज़ अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो देखिए नीता अंबानी जी, ये बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं इसमें, देखिए MD अंबानी, नीता अंबानी, जो ईशा अंबानी, आकेश अंबानी, मतलब पूरी फैमिली के कुछ ना कुछ इसमें होल्डिंग है ही, इवन अनंत अंबानी जी की होल्डिंग भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्डिंग लिमिटेड, ये बड़े बड़े।
तो ये बड़े बड़े शेयर होल्डर्स इसमें हैं सारी चीज़ें अगर आप देखें। और यहीं पे अगर मैं आपको और डिटेल में दिखाऊं जो इसके मेजर बड़े बड़े प्रमोटर हैं वो कौन है, देखिए बड़े बड़े अगर आप देखें यहाँ पे LIC, LIC का देखिए कितना ज़बरदस्त होल्डिंग है, 7% का होल्डिंग है LIC के पास। रिलायंस के ऑलमोस्ट 43 करोड़ शेयर्स हैं, 43 करोड़ शेयर्स LIC के पास है। और FII के पास ज़बरदस्त होल्डिंग है, और इवन यूरोप पैसिफिक ग्रोथ फंड है उसके पास देखिए 19 करोड़ शेयर्स रिलायंस के। SBI म्यूचुअल फंड के पास 6 करोड़ शेयर्स हैं। सिंगापुर गवर्नमेंट के पास भी देखिए 7-8 करोड़ शेयर्स इनके पास भी हैं। इवन अगर आप देखें यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए सब्सिडियरी कंपनीज हैं उनके भी अच्छे खासे शेयर होल्डिंग्स यहाँ पे हैं। तो चलिए बहुत ज़बरदस्त कंपनी आपने देखी है, और इवन आप खुद देखिए कि किस तरीके से ये वाट लगा सकता है बाकी कंपनीज की। चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आपकी अपनी राय क्या रिलायंस ऑनलाइन सेल सेगमेंट में अच्छा कर सकता है, जी हाँ जरूर बताएं अपनी राय इसके बारे में। और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।